हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको न्यू लूट बताने वाला हूँ। मतलब बहुत ही खतरनाक लूट, नहीं हो यार, महालूट है, महालूट। मतलब आपको साइन अप पे $10 मिलेगा, आपको पर रेफर भी $10 मिलेगा, ओबे इंस्टेंट आप विड्रॉ भी ले सकते हो सब कुछ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, आपको KYC करना पड़ेगा। आपने अगर अब बैग्स ऐप लूटा होगा तो समझ जाना उसी की तरह लूट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आपको $10 डिपॉजिट करना रहेगा ट्रेडिंग के लिए। तो वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कैसे करना, और भाई पूरा लाइव करके दिखाऊंगा और विड्रॉ भी करके दिखाऊंगा। $20 का विड्रॉ भी करके दिखाऊंगा आपको, सीधा पेटीएम, पूरा पेटीएम में लेके $20, $10 का डिपॉजिट, $20 का विड्रॉ। तो देखो, ये लिंक मैंने दिया था पहले, इसका मैं प्रॉब्लम्स बता दे रहा हूँ। लिंक मैंने दिया था कल रात में ही, मैंने दिया था देखो 3-1 बजे के आसपास। तो देखो, जो लोग रात में साइन अप किए होंगे ना, उनका तो आधे घंटे में, 1 घंटे में KYC हो गया होगा। तब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, वेबसाइट सब कुछ सही चल रहे थे। बट अभी क्या हो रहा है कि इनके वेबसाइट पे OTP का प्रॉब्लम, OTP नियर बाय आधे घंटे या 15 मिनट बाद आ रहा है। बट वो जब OTP डालोगे तो वो सीजन एक्सपायर्ड हो जाएगा। मीन्स OTP जस्ट 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए होता है। तो वो आधे घंटे के बाद डालोगे तो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसीलिए देखो, मैं बता रहा हूँ, इनका वेबसाइट, अभी मैंने एडमिन से बात हुई, तो एडमिन इनके इनके ग्रुप में पिन पोस्ट पे दिया हुआ है कि मीन्स वेबसाइट फिक्स हो जाएगा कुछ दिन में, कुछ देर में। तो देखो, उसका टेंशन मत लो। देखो, मैं बता दे रहा हूँ कैसे तब तक लूटना है, सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो देखो, लिंक मिल जाएगा लिंक पे, तो देखो जो क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको वो साइन अप पेज ओपन होगा, साइन अप कर लेना। आपको बस ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है और OTP आएगा, OTP डाल देना। तो अभी वेबसाइट प्रॉब्लम में होगा, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, आप लोग वैसे वैसे ही कर लेना। अभी जब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ प्रोसेस आप देख लो, जब सही होगा तो वैसे वैसे जाके कर लेना। देखो, ये हो गया। अभी फिर क्या, जैसे ही साइन अप कर लेना, फिर आपका हो जाएगा लॉगिन। लॉगिन कर लेना, अब मैं बताता हूँ क्या करना। देखो, अब आ जाना सीधा लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे देखो, ऐप डाउनलोड कर लेना या वेब पेज पे करना। वेब पेज में थोड़ा प्रॉब्लम है, PC में करना, PC में बेटर रहेगा। तो देखो, मैं सब कुछ बता रहा हूँ क्या करना। देखो, आना सेटिंग, यहाँ पे प्रोफाइल में आना। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देना, नाम जो भी आप KYC के लिए अपलोड कर रहे हो, नाम, नंबर, मोबाइल, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ जैसा भी आपका उसमें है। फिर रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे सबमिट, जैसे सबमिट करोगे तो आपको बोलेगा कि अपना आधार कार्ड का, और इसको देखो ध्यान से रहे, डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना, डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना, तभी सब कुछ सही होगा। और हर बार आपको मोबाइल और डेस्कटॉप मोड स्विच करना पड़ेगा, वो भी मैं रीजन बता देता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। सबमिट पे क्लिक करोगे, उधर जैसी सारी डिटेल्स फिल कर देना, डेट ऑफ बर्थ। और भाई देखो, KYC गलत मत करना, नहीं तो KYC अभी तो टाइम लग रहा है, नियर बाई मीन 10-15 घंटे लग रहा है। तो एक और तीवाई तीन चांस मिलेगा, अगर तीनों बार आप गलत कर दे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो समझ जाओ, फिर KYC वैसी गलत वलत मत करना, सही सारे डॉक्यूमेंट सही अपलोड करना। अब देखो क्या करना, यहाँ पे सबमिट, जैसे ही यहाँ पे देखो प्रोफाइल डिटेल में सबमिट डिटेल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आना, यहाँ सबमिट डिटेल पे, फिर वो बोलेगा अपना आधार कार्ड का या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी, उसका फ्रंट बैक अपलोड करना, और एक आपको सिर्फ के सिर्फ आधार कार्ड का फ्रंट मीन्स एक फोटो अपलोड करना पड़ेगा, एक सेल्फी के साथ आधार कार्ड लेके। उसमें दिया रहेगा सब कुछ कैसे अपलोड करना, देख लेना। वैसे मैं हमेशा अपने बैग्स ऐप का लूटा होगा तो पता ही चल गया होगा KYC, लेकिन इसमें कुछ भी लिखना उखना नहीं है। बस आपको आधा जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसका बस आपको एक साथ में लेके एक फोटो अपलोड करना रहेगा। तो जैसे ही अपलोड कर दोगे, नियर बाय आपको एक मेल आ जाएगा जीमेल पे, जैसे जब KYC आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा तो भी मेल आ जाएगा, अप्रूव हो जाएगा तो भी हो जाएगा। तो और देखो, उसके बाद पहले देखो, ये तो हो गया KYC वैसी का पूरा प्रोसेस बता दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना, गूगल ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आना, यहाँ पे ऑन कर लेना। अगर बाई चांस फिर से इनका OTP का प्रॉब्लम होता है तो अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है तो फिर आप लोग इसके थ्रू लॉग इन कर सकते हो। तो ये भी पूरा बताया हूँ यार, हर बार बताता हूँ गूगल फैक्टर का ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना और ये सब पूरा प्रोसेस कर लेना, वैसे भी इसमें दिया रहता है। तो ये देखो हो गया। अब देखो क्या करना है, अब आपका ये हो गया KYC कंप्लीट। अब क्या करना है, देखो ये अभी फिर से आपको मोबाइल डेस्कटॉप मोड हटाना पड़ेगा। देखो ये जो 3 लाइन वाला सिंबल है ना, ये नहीं आएगा, इसके लिए आपको PC में करोगे तो बेटर रहेगा, मोबाइल ऐप में भी करोगे तो बेटर रहेगा। लेकिन मोबाइल ऐप में आपको KYC में भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, वो सब देख लेना आप लोग, मैं इसलिए पूरा बता रहा हूँ। अब देखो 3 लाइन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे मेरे को क्या क्या मिला है। अब फिर से मैं देखो यहाँ पे कितना गंदे में वो दिख रहा है, इसलिए मैं डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ। देखो पूरा क्लियर हो गया। तो ये बार बार आपको स्विच करना पड़ेगा, इनके अभी वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम है, वो फिक्स हो जाएगा उस देर में, तो उसका आप लोग टेंशन मत लो। तो ये देखो, इसमें आप लोग जो देखो $10 डिपॉजिट करोगे ना, उसको करना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग, मीन्स $100 का ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो वो ट्रेडिंग कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग भाई कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट 2 मिनट का काम है ट्रेडिंग, वो 10 बार ट्रेडिंग ना 2 मिनट में हो जाएगा आपका। तो ये देख लो, ये सारा मैंने देखो, ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, उसने ये सब किया कल रात में, ये वो कर रहा था। ये देख लो पूरा कितने सारे ट्रांजेक्शन है।
तो अभी मैं बताता हूँ, देखो $10 उसने डिपॉजिट कहाँ किए, फिर $10 उसने वो कहाँ किए हैं। ये देखो, ये इसने 57 डिपॉजिट किया, XRP में डिपॉजिट किया। डिपॉजिट उसका टेंशन मत लेना, वो सब मैं डिपॉजिट डिपॉजिट करवा दूंगा। आप लोग मेरे को पेटीएम दे देना और मैं आपको XRP सेंड कर दूंगा, आप लोग एड्रेस दे देना। तो बताता हूँ कैसे करना। देखो ये देखो 57 XRP ये आपको इसमें इसने डिपॉजिट किया है। और ये देखो यहाँ पे XRP देखो, और वो जो था वो सारा ट्रेडिंग्स का था। अब मैं बताता हूँ विड्रॉ का, ये विड्रॉ 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 अभी यहाँ पे दिखाता हूँ विड्रॉ। और ये देखो उसने 105 XRP विड्रॉ लिया है, मीन्स उसने देखो सिर्फ 57 डिपॉजिट किया और 105 XRP उसने विड्रॉ लिया। अब मैं बताता हूँ इसके आपको मतलब 100 मीन्स कुछ 117 एक सौ सॉरी 114 इतने मिलने चाहिए आपको XRP। लेकिन वो बताता हूँ वो जब आप ट्रेडिंग करोगे तो उसमें नियर बाई कुछ XRP 1 XRP 2 XRP का लॉस हो जाएगा। तो यार उसका मतलब कोई टेंशन, मतलब ये सिर्फ साइन अप बोनस का उसको मतलब इतने मिल रहा है। और ये 50 जितने भी प्रॉफिट हुए नियर बाई वो 600 से ₹50 से ऊपर इसका पूरा प्रॉफिट है। तो ये बता दिया, ये देखो कैसे करना है। ये देखो ये पता चल गया आपको, अब पूरा डाउट इसका मैं विड्रॉ प्रूफ भी दिखा देता हूँ ये कहाँ पे आया है। सो इसका विड्रॉ देख लो कॉइन DCX में लिया था, इसमें दिखाता हूँ वॉलेट हिस्ट्री में देखो डिपॉजिट 105 पॉइंट। ये देख लो टाइम, देख लो आपको टाइम से क्लियर हो जाएगा 9:26, आज की डेट में 9:26 में मीन्स आधे घंटे पहले ही आया था। और ये देख लो मैंने विड्रॉ यहाँ से कब कब लिया था, ये देख लो 25 मिनट पे मैंने विड्रॉ, 1 मिनट में विड्रॉ आया था इंस्टेंट 105.3। भाई बहुत ही मस्त लूट है, मतलब बहुत ही मस्त लूट है 57। इसको बस साइन अप का ही बस मिला आपको फायदा। तो सोच लो पर रिफर आप लोग कर रहे हो $10 आपको पर, इसमें इस वाले जैसे मान लो मैंने इस वाले अकाउंट से मैंने रेफर किया तो इसमें उस वो पूरा प्रोसेस करता, मैंने KYC करेगा, $10 डिपॉजिट जैसे करेगा आपको भी $10 मिलेगा, उसको भी $10। भाई $20 का फायदा हो रहा है, आपको समझ लो कितना फायदा हो रहा है। अब देखो अब मैं इसका पूरा प्रोसेस फिर मैं अब दिखाता हूँ आपको ट्रेडिंग वोडिंग कैसे करना है। फिर से इसको मेरे को करना पड़ेगा मोबाइल में स्विच। अब मैं बताता हूँ इसको ट्रेड कैसे करना। आप लोग जब देखो, अब पहले आपको करना पड़ेगा डिपॉजिट $10 का, आपको करना पड़ेगा इसमें डिपॉजिट, तभी तो आप लोग ट्रेडिंग वेडिंग कर पाओगे, उसके पहले तो ट्रेडिंग होगा नहीं। फिर मैं बताता हूँ उसका डिपॉजिट कैसे करना, फिर इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है। सो देखो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्लिक यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे आ गया। अब देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना कि आप लोग XRP में डिपॉजिट करो, क्योंकि देखो XRP में डिपॉजिट करने का आपको फायदा क्या है कि आप लोग जब कहीं से भी सेंड कर दो ना, XRP की फी नहीं लगती है। XRP की जो फी है 0, जो आप बाय करोगे वही जो फी फी लगता है फी लगेगा, बाकी ट्रांसफर फी 0 है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो जैसे आप ये देखो अब आपको कैसे वो करना है, यहाँ पे देखो XRP पे जाना, XRP पे यहाँ पे जाना, देखो यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करना। रिसीव पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा आपको एक एड्रेस देगा और टैग देना, और दोनों यूज करना आपका वो दोनों यूज करना पड़ेगा, तभी आपका मीन्स विड्रॉ सक्सेसफुल होगा, जो भी आप लोग डिपॉजिट कर रहे हो वो सक्सेसफुल होगा। अब देखो यहाँ पे बताता हूँ क्या करना है। तो ये मिल गया वॉलेट एड्रेस, ये मिल गया टैग। भाई देखो XRP में ना हमेशा टैग रहता है और वॉलेट एड्रेस तो हर जगह रहता है, टैग रहता है। तो कभी भी सेंड करोगे तो वहाँ पे भी आपका टैग पूछेगा, ये दोनों आप लोग जहाँ से भी सेंड कर रहे हो सेंड कर देना। अगर आपके पास कोई सेंड करने का तरीका नहीं तो मेरे को आप लोग पेटीएम कर देना, मैं आपको $10 जितना भी XRP चाहिए मैं उतना XRP डिपॉजिट कर दूंगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया डिपॉजिट कैसे करना है। जैसे ही आप लोग को जैसे आपने डिपॉजिट कर लिया यहाँ पे आपका $10 शो कर जाएगा। तो अभी आते हैं देखो, अब आपने XRP डिपॉजिट कर दिया, अब आते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग कैसे करना है उसके पहले देखो आज भाई देख लो इससे ना 16,000 तक एक बंदे ने लूटा है, 16,000 तक, 16,000 नहीं मीन्स अभी उसने 30-40 हज़ार तक उसने लूट लिया। भाई ये पूरा मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही खतरनाक लूट है, बहुत ही खतरनाक लूट। और भाई कब एंड हो जाए ना उसका कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं ये कब एंड हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। अभी लाइव है तो अभी लूट लो जाके इसको। अब देखो इसको ट्रेडिंग कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। XRP डिपॉजिट, तो यहाँ पे सर्च करना है XRP। XRP जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे आ जाएगा XRP USD, इस पर कर देना क्लिक। XRP USD पे करना क्लिक। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो बताता हूँ यहाँ पे होती है। देखो ट्रेडिंग हमेशा तीन टाइप में होता है, एक मार्केट प्राइस होता है, एक लिमिट होता है, एक स्टॉप और वो होता है। तो देखो मार्केट प्राइस में क्या होता है, हमेशा इंस्टेंट मतलब कोई भी चीज़ अगर बाय कर रहे हो तो मार्केट प्राइस पे अगर बाय करते हो तो तुरंत के तुरंत बाय हो जाएगा, कोई टाइम नहीं होता। लिमिट में बाय कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है, अगर आप कोई चीज़ बायर पे बाय करते हो तो वो सेलर पर डिपेंड करता था, कोई सेलर है कि नहीं। अगर वो सेलर मतलब वो सेल कर रहा है सेम प्राइस पे तो आप तभी आपका बाय होता है, तो उसमें टाइम भी लग सकता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा मार्केट प्राइस पे करो, आपका नियर बाई में हर
एक ट्रेडिंग में आपका 5-6 रुपए का लॉस होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो उसका देखो टेंशन मत करो यार, प्रॉफिट तो आपका $10 का हो रहा है। तो देखो मार्केट प्राइस पे आना, यहाँ पे देखो क्या करना, यहाँ पे आपके पास जैसे कि मान लो आपके पास देखो आपने 57 XRP या 58 XRP जितना भी डिपॉजिट किया, यहाँ पे कर देना ऑल, यहाँ पे दिख रहा है ऑल, आपको सॉरी बाय नहीं करना, आपके पास जो XRP है उसको करना है सेल। सेल पे करने के लिए यहाँ पे देखो आपके पास जितना भी XRP हो रहा होगा सेल, यहाँ पे XRP जितना भी होगा इस पे क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक कर देना, सेल XRP कर देना। सेल XRP कौन होगा, आपका जो भी XRP हो जाएगा वो USD में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या करना, फिर बाय पे आ जाना, बाय पे आने के बाद देखो फिर से आपको ऑल पे क्लिक करके बाय करना, ऐसे आपको मतलब 10 बार, $10 है ना, तो मीन्स 10-11 बार आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रेडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही आपका पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको मिलेगा $10 के जूम टोकन मिलेंगे, जूम टोकन मिलेंगे, उसको क्या करना अब मैं बताता हूँ, उसको क्या करना, यहाँ पे टाइप करना, यहाँ पे सर्च करना जूम, ये आ जाएगा जूम USD, जूम USD पे क्लिक करना, जूम USD क्लिक करने के बाद फिर से आ जाना है यहाँ पे, देखो ये जो यहाँ पे बॉक्स दिया है ये जूम का पूरा हो जाएगा, तो इसका आपके पास जूम आएगा, जूम पे क्लिक करना, यहाँ पे जितना भी जूम रहेगा ऑल पे क्लिक करके पूरा सेल कर देना, तो ये हो जाएगा आपका USD में कन्वर्ट। अब USD को ये XRP में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि आपको XRP में ही विड्रॉ लेना है, XRP में कन्वर्ट करने बाद उसको XRP में जैसे ही आपका USD होता है, जैसे यहाँ पे जूम सेल करोगे तो वो USD में आएगा, फिर यहाँ पे आप लोग करना, यहाँ पे फिर से आ जाना है XRP USD और कर लेना, आपके पास सपोर्ट, आपके पास USD है तो आपको बाई करना है XRP, तो यहाँ पे बाई पे क्लिक करके आप लोग XRP पूरा जितने भी USD हैं, आपको जितना भी $8 या $9 USD मिल रहा है जूम के, वो उसको कर लेना बाई, क्योंकि कुछ फी लग जाता है वो कट जाएगा, तो बाई XRP पे कर लेना। अब आपका हो गया पूरा बाई, अब क्या करना है यहाँ पे देखो, अब बताता हूँ इसका विड्रॉ पूरा बता देता हूँ, विड्रॉ कैसे लेना, अब फिर से इसको करना पड़ेगा मेरे को मोबाइल में स्विच। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 3 लाइन पे क्लिक करना और यहाँ पे बताता हूँ क्या करना, ये देखो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से मैं करता हूँ इसको डेस्कटॉप मोड में ऑन। अब देखो ये आगे आपके XRP में रिसीव हुआ है, XRP में रिसीव हुआ है, यहाँ पे रिसीव हुआ, अब आपके पास सारे आगे XRP, यहाँ से करना सेंड, सेंड पे क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा एड्रेस, वो एड्रेस ऐड करने के लिए, या आपके पास ऑलरेडी इसमें क्या करना एड्रेस ऐड कर लेना, क्योंकि देखो हमेशा XRP में आपको टैग की जरूरत होती है, अगर आप टैग नहीं डालोगे तो विड्रॉ, ये बहुत ही जरूरी है, ध्यान से सुन लेना। देखो यहाँ पे सिर्फ इसने बोला वॉलेट एड्रेस, इसने उन्हें टैग का कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो आप लोग इसमें क्या करना, पहले इसमें ऐड कर लेना, वो भी मैं बता देता हूँ कहाँ से ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो ये वॉलेट एड्रेस, मैंने देखो यहाँ पे XRP और ये देखो ऐड करके रखा, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये वो ले लेगा कि इसी पे वो मतलब सेंड करना है। अब मेरे पास अमाउंट है नहीं इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या करना, आप लोग ऐड पे क्लिक करना, ऐड एड्रेस पे, ऐड एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कोई भी नाम दे देना, नाम देने के बाद वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करना, वॉलेट एड्रेस पे आप लोग वॉलेट एड्रेस और टैग दे देना जो यहाँ पे भी आपको सेंड करना है XRP है, तो XRP यहाँ पे XRP का वॉलेट एड्रेस टैग दे के सबमिट कर देना, नेम कुछ भी डाल देना, और जैसे ही ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ऐड। अब देखो यहाँ पे आप लोग जो भी सेंड करो बाई डिफॉल्ट वो यहीं पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो बस आपको अमाउंट करना है। अब देखो दूसरी मेन चीज क्या है, अमाउंट जैसे आपके पास मान लो 200 XRP हो गया, 100 XRP हो गया, तो यहाँ पे 100 XRP डालना। अब जो फी डिडक्शन में ना फ्रॉम अमाउंट कर देना, क्योंकि कुछ फी लगता है, एक XRP, 2 XRP या 0.5, तो यहाँ पे फ्रॉम अमाउंट ले लेना, क्योंकि जूम टोकन तो आपने सारे सेल कर दिए XRP में कर लिया, तो फ्रॉम अमाउंट करके यहाँ पे कर देना सबमिट। सबमिट में करोगे तो तुरंत के तुरंत मिस दिखाया ना आपको, 1 मिनट के अंदर आपके जो भी वॉलेट एड्रेस पे रिसीव करो वहीं पे आपको वो हो जाएगा, इंस्टेंट आ जाएगा। तो देखो भाई सब कुछ बता दिया कैसे करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लेना, डिपॉजिट कर लेना $10 के, कोई भी जरूरी नहीं है XRP, अगर आप लोग लाइट कॉइन कर रहे हो कि TRX है नहीं, लाइट कॉइन कर रहे हो, बिटकॉइन कर रहे हो, कोई भी जिसमें आपको अच्छा लगे, मतलब जो भी लगे, मैं XRP का इसलिए बताया क्योंकि XRP बहुत वैल्यू कम है और फी भी कम लगती है, इसलिए मैंने XRP किया है। बाकी तो आपको जिसमें लगे कि आपके पास बिटकॉइन पड़ा तो बिटकॉइन ट्रांसफर कर लो, जो भी मतलब लगे करके ट्रेड करके सब कुछ सेल कर लो। देखो यार सब कुछ इंस्टेंट मिल रहा है, सब कुछ मैंने बता दिया कैसे करना है। मैं फिर से आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, इधर मैं जूम टोकन जो मैंने रिसीव हुआ ये देख लो 47 रिसीव हुआ, और इधर देख लो सबसे ऊपर मैंने ये देखो ट्रेड कर दिया इसको। अभी मैं फिर से आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ XRP में, XRP में देख लो ये सारी ट्रेडिंग की गई है, ट्रेड बाय ट्रेड सेल, ट्रेड बाय ट्रेड सेल, ये देख लो ये सारा ट्रेडिंग, और देखो ये 56 XRP जो रिसीव हुआ था इसको पहले देखो ट्रेड किया गया, फिर इसको बाई किया गया, फिर ट्रेड किया, फिर बाई किया, ये देखो आपको 10 बार, क्योंकि देखो $100 का आपको ट्रेडिंग करना है, तो $100 कैसे होगा, $10 का अगर बाय सेल कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो तो आपका देखो 10 बार करोगे तो आपका हो गया,
तो वही चीज़ है, बस आपको बस मतलब कुछ नहीं करना है, देखो $10 डिपॉजिट करना, बस यही सब। देखो मेन इंपॉर्टेंट काम सबका यही होगा कि KYC तो बहुत लोग कर भी लेंगे, KYC कर लेंगे, लेकिन $10 डिपॉजिट कहाँ से करेंगे? उसमें से देखो 5-10% ही करने वाले हैं मुझे पता है, क्योंकि सबके पास इतने पैसे होंगे नहीं। तो देख लो यार, जिसको जैसा लगे किसी फ्रेंड से लेके या ले लो, फिर कहीं भी उसको जितना भी XRP है उसको सेंड करके उससे उससे उतना पैसे ले लो जिसने। तो जैसे अभी आपके पास सपोज पैसे नहीं, तो आप किसी फ्रेंड से ले लो XRP खरीद लो, क्योंकि बहुत अभी तो मेरे को बहुत लोग मैसेज आए, क्योंकि बहुत लोग जब मैं टेलीग्राम पे डाला ना, तो काफ़ी लोग उसी टाइम पे मैसेज आ गया XRP के लिए, मुझे XRP दे दो, इतने XRP दे दो। तो देख लो जिसको जैसा लगे, देखो यार 100% रियल साइट है ये आपका। अगर देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखो, क्योंकि अभी इनके बहुत सारा ज़्यादा वो हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं, तो ये अभी ज़्यादा देर तक तो ये रेफरल सिस्टम तो चलेगा नहीं, तो क्योंकि देख या तो ये लोग $10 की जगह $5 देने लगे। तो अभी जब तक चल रहा है इसको लूट लो, और ये आपका KYC यहाँ पे 100% सिक्योर है, सब कुछ सेफ है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइज।